तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो। इसमें कहा जा रहा है, ए क्वायल इज प्लेस्ड, ए क्वायल इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल सस्टेंड बिटवीन द पोल्स ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट। दो हमारे पास मैग्नेट है, उनके बीच एक क्वायल रख दिए, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नेट्स हैं और इनके बीच एक हमने क्वायल रख दिया। कैसे रखे हैं ये भी हमें बताया जाएगा कि इन क्वायल को कैसे रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से रखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड बी इन द प्लेन ऑफ द क्वायल, मतलब क्वायल के प्लेन में है। तो अगर क्वायल के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पर मैं इस ट्रायंगुलर क्वायल को मैं ऐसे रखूँगा, ऐसे कुछ रखूँगा, ठीक है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि इन द प्लेन मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऐसे जा रही हैं, ठीक है ना, ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो उसके प्लेन में है, मतलब एरिया वेक्टर, इस कॉयल का जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर आएगा और मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर है। समझ में आया कुछ, ठीक है। मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे बना दूँ, ऐसे बनाऊँ इस ट्रायंगल को, तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर इधर आएगा और मैग्नेटिक फील्ड अपना इधर आएगा, ये प्लेन इस प्लेन में, ठीक ना, इस प्लेन में है, ठीक ना। ऐसे कुछ बना लो, सिंपल सिंपल सामने से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। समझ में आया। तो ये कहते हैं ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो कहते हैं इस पे, इस कॉयल में करंट भी फ्लो हो रही है, तो इस कॉयल में जो करंट फ्लो हो रही है वो आई फ्लो हो रही है बच्चों, ठीक है। ये करंट आई फ्लो हो रही है, तो टॉर्क ऑन इट इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, तो टाउ कितना लगेगा। तो टाउ का फार्मूला क्या है, अगर कोई करंट कैरिंग कॉयल है उसमें मैग्नेट जो टाउ होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है एम बी साइन यहाँ से थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क ऑफ ए क्वायल मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ से तुम देखोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ से आ जाएगा एन नंबर ऑफ टर्न्स आई ए, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ वन है तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट आई ए है, तो टाउ जो आ जाएगा मैग्नेटिक आई यहाँ से आई और ए और यहाँ से बी और यहाँ से साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। जिधर एरिया वेक्टर होता है उधर ही मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो थीटा है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऊपर है तो थीटा यहाँ आ गया 90 डिग्री, ठीक ना। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक मोमेंट का एंगल थीटा 90 डिग्री आ गया। तो अगर थीटा 90 है तो ये आई और ए और मैग्नेटिक फील्ड बी और यहाँ से साइन 90 की वैल्यू, साइन 91 आ गया। तो यहाँ से तुम देखोगे, अब हमें जो यहाँ से कैलकुलेट करना है वो हमें करना है प्यारे बच्चों, क्या पूछ रहा है, करेंट इन द कॉयल, करेंट आई इन द ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में कुल कितना करंट फ्लो हो रहा है इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है, ठीक है ना। तो अगर मुझे इसकी साइड नहीं, साइड ऑफ द एल ऑफ द ट्रायंगल साइड निकालना है, तो साइड निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल रखना पड़ेगा। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट रख दो, नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकाल लो। ए एल है, ये थीटा 60 है और ये एल बाई टू है, ठीक है ना, ए एल बाई टू है, ये पूरा बेस एल है, बेस एल है, तो ये हाइट आ जाएगा एल साइन 60, ठीक है ना, एल साइन 60 क्योंकि एल है, इस ट्रायंगल में मैंने साइन थीटा लगा दिया तो एल साइन 60 मतलब एल बाई रूट 3/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा 1/2 बेस, बेस एल और हाइट यहाँ एल बाई रूट 3/2, तो यहाँ से आ जाएगा एल स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट 3। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर रख दोगे प्यारे बच्चों तो मुझे साइड पता चल जाएगा टाउ के टर्म में। तो साइड इज इक्वल टू यहाँ से करंट आई, एरिया एल स्क्वायर अपान रूट 3 डिवाइडेड बाई यहाँ से 4 और हाँ एरिया रख दिए और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बी, तो यहाँ से एल स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 यहाँ से टाउ डिवाइडेड बाई यहाँ रूट 3 आई और बी की वैल्यू। तो यहाँ से जो एल की वैल्यू आ जाएगी, एल पूछा जा रहा है, 2 बाहर आ गया, टाउ यहाँ से रूट 3 आई बाई बी आ जाएगा और इस पूरे पे 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना, इस पूरे पे 1/2 आ जाएगा। तो फाइनल जो सोल्यूशन बनेगा यहाँ से 2 टाउ रूट 3 आई बी,
दैट इज सही जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन मैच कर जाता है, तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। थैंक यू।